विराट के बघेरी समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां भाजपा कार्यालय के समूहे बने तीन दशक से भोलेनाथ के मंदिर का तोड़ा जात रहा। मंदिर तोड़े की जानकारी बजरंग सेना का भय तक सैकड़न के संख्या में पहुंचे बजरंग सेना के पदाधिकारी रोक लगाए दी। इस दौरान जेसीबी मशीन से तोड़े वाला चालक मौका से फरार हो गया है। यह घटना के जानकारी पुलिस का दिन गए तो मौका में सिविल लाइन थाना प्रभारी एसडीएम एसडीओपी के साथ भारी पुलिस बल मौका में पहुंचा और मामला के जानकारी ली। तब तक मंदिर के पुजारी और समिति के सदस्य पहुंच गए और बतावा जाता है कि मंदिर के जीर्णोद्वार कीन जात रहा है, पर बिना प्रशासन का सूचना दी है। रात में मंदिर तोड़े के कौनो साजिश रही या जीर्णोद्वार या तो कमेटी और प्रशासन जाने, पर यह माना जा रहा है कि बजरंग सेना के सतर्कता और प्रशासन के त्वरित कार्यवाही से विवाद की स्थिति टल गई। अब देखने वाली बात यह है कि मंदिर के जीर्णोद्वार हो रहा या कॉम्प्लेक्स और भाजपा कार्यालय के समूह बनी मंदिर का हटावे के साजिश। आई अपना पंचर का दिखाई थे पूर्व घटना और सुनाई थे मंदिर के पुजारी का साथ है स्थानीय लोगन का और पुलिस प्रशासन का इनकर कहना है। सब है, किसी दल से नहीं हूँ मैं, बजरंग सेना हूँ। क्या भाजपा हो या कांग्रेस, हम अपनी सनातन धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करेगा। क्या नाम है पंडित जी? कोई धंधा नहीं करेंगे आपके द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य अच्छी बननी चाहिए। यह पूरा मामला, ये सर, ये मंदिर सन 84 का बना हुआ है। राज्य परिवहन वालों ने, हम सब कर्मचारियों ने मिल करके इसका निर्माण कराया था। ये टोटल ईंट की दीवार का बना था। मार्ग के ऊंचा हो जाने के कारण ये मंदिर 3 फुट नीचे हो गया रोड से, और पूरे मार्ग का पानी मंदिर के अंदर से बहता है, भगवान के समीप से बहता है। लोगों को आने जाने में परेशानी। मंदिर का जो बारजा था वो भी सन 84 से आज तक में ऊपर छत में पानी भरने के कारण बिल्कुल जीर्ण हो गया था। यहाँ तक कि उसका छप्पर 2-4 लेबरों के ऊपर भी गिर चुका, जिससे उन लोगों को आघात पहुँचा। इसी दृष्टि को देखते हुए मंदिर के पुनरोद्धार का संकल्प मैंने लिया और ऐसा सोचा कि इसकी यदि मरम्मत हो जाए, सही स्वरूप इसको मिल जाए। विरासत की स्थिति है ये राज्य परिवहन की। लोगों से मैंने चर्चा किया, जो लोगों ने मुझे आश्वासन दिया इस कमेटी के अंतर्गत आए, मैंने उनका सहारा लेकर के और भगवान के इस देवालय को पूर्ण रूपेण पुनः नवजीवन देने का संकल्प लिया। और प्रशासन एवं थाने को सूचना नहीं दिए थे, यही मुझसे त्रुटि हो गई। लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का सहारा लेकर के मैंने भगवान के कार्य को प्रारंभ करा दिया। इसे ढेकहा तिराहे में मंदिर का गिरा के पुनर्निर्माण कार्य हो रहा था, फिर क्या था पूरा मामला, काफी बवाल हुआ था। सूचना प्राप्त हुई थी कि ढेकहा तिराहे पे प्राचीन शिव मंदिर था, चूंकि जीर्ण शीर्ण हो चुका था तो कुछ लोगों ने वहाँ प्लान करके उस मंदिर को नया बनाने के लिए और भव्य बनाने के लिए प्लान किया था। चूंकि मंदिर का निर्माण कार्य आज से उन लोगों ने शुरू किया था, जेसीबी के माध्यम से उसके क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ने का काम हो रहा था। वहाँ जो कुछ लोगों ने अचानक देखा तो ये प्रतीत हुआ लोगों को कि मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उन लोगों ने उसका विरोध किया, थाने में सूचना दी, थाने को सूचना दी, पुलिस बल मौके पर पहुँचा, एसडीएम साहब आए, सीएसपी साहब, एसडीओपी साहब और पुलिस बल पहुंचा। लोगों से जब चर्चा की गई तो ये पता चला कि इस मंदिर को जीर्णोद्धार के हिसाब से इसको तोड़ा जा रहा है, न कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सद्भावनापूर्वक मंदिर को नया निर्माण करने का इनका उद्देश्य था। जो विवाद की स्थिति थी वो विवाद शार्ट आउट हो गया है और सारे दोनों पक्ष के लोग जो विवाद कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो लोग मिल करके वहाँ पर एक नया मंदिर, अच्छा मंदिर बनाने के लिए संकल्प लिए हैं और अब ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं है। अब सर मौके की स्थिति वहाँ की कैसी है? मौके में सारे लोग बिल्कुल आपस में सहमत हैं, सौहार्द का माहौल है, शांत है और वहाँ पे ऐसी कोई विवाद की स्थिति अब नहीं है। खबर रीवा से ही, जहां लायंस क्लब के द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सालय मां कंबल फल के वितरण किएगा। कार्यक्रम मां खास मेहमान के रूप में कलेक्टर मनोज पुष्प पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन के प्रशंसा करके
हर संसाधन उपलब्ध करावे के बात कही नहीं। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देत हुए प्रबंधन कहिन के एक साल में 1000 से अधिक लोगन के आंखी के ऑपरेशन कीन गए है। बताए दे कि अस्पताल के 1992 में स्थापना कीन गई रही, तब से अबे तक 21,956 लोगन का रोशनी दीन जा चुकी है। आई दिखाई थे आयोजित कार्यक्रम और सुनाई थे कलेक्टर मनोज पुष्प प्रबंधन क्या जानकारी दी नहीं। कोशिश करें क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि उनके आईसाइट में कोई इशू है, कोई कमजोरी है, तो अगर हम एक अभियान के रूप में उसको प्रोएक्टिव मॉडल कोई तैयार करेंगे डॉक्टर साहब के साथ और आप सभी के साथ बैठ के विधायकों के साथ बैठ के हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटे बच्चों में जो आईज के इशू है उसको हम लोग अर्ली डिटेक्ट करें और एक अभियान चला कर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। प्रयास रहेगा कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें हम सहभागी बने और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कलेक्टर साहब जाने के 2 दिन पहले आए हैं, मैं 2 साल पहले आया हूँ। ये हमारे यहाँ लायंस रीवा में जो लायंस का हॉस्पिटल है, आज कलेक्टर साहब आए थे और हमारे जो ऑपरेटेड केसेस थे 23, उनको दवाइयाँ कंबल फल का वितरण किया गया। हमारे जो स्टाफ के लोग थे उनको हमने नए वर्ष में सम्मानित किया और आगे की कार्य योजना के बारे में भी उनसे मार्गदर्शन लिया। अधिकतम ऑपरेशन हम करें इसके लिए हमारे पास कुछ यदि जैसे शब्द थे उसके लिए कलेक्टर साहब ने कहा कि नहीं आप इसे यदि हटा दीजिए, जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी वहां हम पूरा रीवा का जिला प्रशासन आपके साथ में है और इस कार्यक्रम को हम बहुत अच्छी तरह से आगे भी बढ़ाएंगे। इस वर्ष 1502 ऑपरेशन हुए इस वर्ष, कुल हमारे ऑपरेशन 21956 हुए जब से स्थापना काल है और हमने ओपीडी में 2,27,000 पेशेंट्स जब से हमारा 1992-91 से प्रारंभ हुआ है तब से हुआ। प्रोसेस क्या रहती है यहाँ पे, इलाज वगैरह की कैसे क्या व्यवस्था रहती है? हमारे यहाँ लोग आते हैं और उन सब लोगों का जांच होती है, जो ऑपरेशन के योग्य लोग होते हैं उनका ऑपरेशन होता है और ज़रूरतमंद लोगों का सबका हम निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। पीको मशीन से ऑपरेशन होता है और लेंस का ट्रांसप्लांट होता है जो अन्य जगहों में शायद लोग करते हैं, लेकिन हमारा अपना दावा है कि 100% हमारी जो पेशेंट की जो ठीक होने की रेट है वो 100% है। जिनके हमने उपचार किया है, ऑपरेशन किया है, वो 100% सब लोग ठीक है। मऊगंज हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में अलग अलग खेल आयोजित करके आनंद उत्सव मनावा जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रदेश सरकार के निर्देश में जनपद पंचायत मऊगंज द्वारा आयोजित किया गया रहा, जेमा कबड्डी खो खो क्रिकेट सहित कई खेल आयोजित भे। शुक्रवार का मऊगंज हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में ग्रामीण क्षेत्र के औरतन के बीच क्रिकेट मैच के खेल के शुरुआत भई ही, जेमा मऊगंज क्षेत्र के स्व सहायता समूह के 5 महिला टीम भाग लिए रही। सूजी को रन बनाने का कोई मौका नहीं, सूजी का दूसरा विकेट गिरा। परागा की सहायता समूह की महिलाएं काफी अच्छी गेंदबाजी करती हुई। रीवा जिला के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सिमरिया तिराहा में बीती रात ऐतिहासिक शिव मंदिर का तोड़े की कोशिश कीन गए। बताई दे कि घटना के पता लगते है बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और विरोध जताई ही, जेके बाद प्रशासन मामला का संज्ञान में ली सी और यह कह के मामला का दबाए दी कि मंदिर के जीर्णोद्वार के खातिर ओखर गुम्बज तोड़ा जात रहा है, पर जौन मेर से बिना प्रशासन के जानकारी और चोरी छिपे रात में मंदिर तोड़े की कोशिश कीन गए, उसे कौनो न कौनो साजिश की बू आवत लागी। यह मामला का गंभीरता से लई के बजरंग दल नगर पुलिस अधीक्षक का ज्ञापन सौंपी सी और 48 घंटा के अंदर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के मांग की सी। आई अपना पंचन का सुनाई थे बजरंग दल के कार्यकर्ता का कहीं नहीं।
ढेकहा तिराहे में एक सार्वजनिक शिव मंदिर है जो विगत पिछले काफ़ी दिनों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है। उसको कुछ लोगों द्वारा रात को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया, बाद में भीड़ के आने पर उस पर कार्रवाई की रोक की गई और हम सबके प्रयास से प्रशासन भी वहाँ पहुँचा। प्रशासन के पहुँचने पर वो तोड़फोड़ बंद की गई। उसमें कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध थी, जो मंदिर गिराने का तरीका था वो सही नहीं था। मंदिर पुजारी जी का ये कहना था कि हम मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, जीर्णोद्धार करने की एक अपनी प्रक्रिया होती है, आप प्रशासन को सूचित करते, भगवान को सुरक्षित करते, उसके बाद आप उसका तरीका करते। ना प्रशासन को सूचित किया गया, ना भगवान को सुरक्षित किया गया और JCB के माध्यम से मंदिर पर बकेट लगाई गई। उस बकेट के बाद यदि मंदिर गिरता तो भगवान सुरक्षित नहीं रहते, भगवान की प्रतिमा खंडित हो जाती। इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है और उनकी संदिग्ध भूमिका की जाँच की जाए और उनके पीछे, चूँकि हर जगह वीडियो फुटेज उपलब्ध है, JCB जिस व्यक्ति की थी JCB वाले को पकड़ा जाए, JCB वाला बताएगा किसने गिराने का प्रयास किया, किसके कहने पर वो JCB चलाने सार्वजनिक मंदिर पर आया था, तो उन लोगों का भी नाम उजागर किया जाए, उनके खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हम SP साहब को ज्ञापन देने आए थे। आपको क्या लगता है कि साजिश के पीछे कौन हो सकता है, क्यों मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया? अब साजिश के पीछे प्रथम दृष्टया जिस दुकान के सामने मंदिर है, पहली शंका उन पर जाती है क्योंकि उनके दुकान के सामने मंदिर है और व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से वो व्यक्तिगत तौर पर ठेकेदार हैं। लोगों के बताए अनुसार जो JCB है वो JCB भी उन्हीं की है, जिस JCB से मंदिर गिराए जाने का प्रयास किया जा रहा था, दिया गया। हम लोगों का इसीलिए प्रशासन से ये मांग है कि निष्पक्ष जाँच की जाए और सभी तथ्यों की जाँच करते हुए जो लोग उसमें सम्मिलित हैं सबके खिलाफ कार्रवाई की। मंदिर अगर दूसरी जगह जाती है तो भगवान को सुरक्षित कर दो, आप अच्छा मंदिर बना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। आप भगवान को पहले अच्छा मंदिर बनाइए, भगवान को वहाँ स्थापित करिए, फिर गिरा दीजिए आप मंदिर, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये कल रात में सूचना मिली कि ढेकहा तिराहे में एक मंदिर शंकर जी का जो कि बना हुआ है काफ़ी पुराना, उसका उसमें तोड़ फोड़ की जा रही है। मौके पर हमारा पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला पहुँच कर मामले की जाँच किया। मामले में ये पाया गया कि वहाँ के जो पुजारी हैं पूरन शुक्ला जी, उनके द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाना था, जिसके लिए उन्होंने एक A4 साइज़ का कागज़ वहाँ पर लगाया हुआ है सहयोग प्रदान करने के लिए, मगर उनसे चूक ये हुई कि उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से ना ही पुलिस को, ना ही तहसील कार्यालय में, ना ही SDM को इस बात की सूचना दी कि इस मंदिर का निर्माण कराया जाना है। उस संबंध में उन्होंने समाज के ही कुछ लोगों के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराए जाने का प्रयास किया, मगर उन्होंने इस बात की सूचना नहीं दी। तो इसको लेकर के समाज में कुछ लोग जो वहाँ से गुजरे उनमें एक ये सोचा गया कि उनके द्वारा कि ये मंदिर को तोड़ा जा रहा है, मगर इस अफवाह को जल्द ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस अफवाह को सच्चाई के जानने के बाद बताया गया कि ये मंदिर का कोई अवैध तोड़फोड़ नहीं की जा रही है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाना है। इसमें त्रुटि पंडित जी से और उनके सहयोगियों से ये हुई कि उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी और हमने उनको इस चीज़ के लिए निर्देश दिया है और SDM साहब से आज मिल करके उस मंदिर के पुनः जीर्णोद्धार की बात कही गई। उनका कहना है कि पीछे दुकानदार है, दुकानदार द्वारा ये तोड़वाया गया है, मुकुट उसी मंदिर नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं पाया गया, आगे हम और जांच करवा लेंगे। सर, इनका कहना है कि नोटिस जो है बाद में चस्पा की गई विवाद से बचने के लिए। नहीं, ऐसा तो नहीं पाया गया, क्योंकि आप देखेंगे अभी भी जा करके तो काफ़ी पुराना फोल्ड हुआ पेपर वहाँ पर लगा हुआ है और बिल्कुल इरादा इनका सच्चा था मगर तरीका गलत था। और मंदिर धार्मिक आस्था सभी की है और हम भी बिल्कुल चाहेंगे कि मंदिर का जो है जीर्णोद्धार हो मगर उसका सही तरीके से अपनाया जाए। सूचना दिए बगैर अगर इस तरह के मंदिर का जीर्णोद्धार कराना होता है क्या? हाँ, सूचना उन्होंने नहीं दी, इस बात की त्रुटि है उनकी और इन्होंने ये स्वीकारा है। कल रात में हम लोगों ने इसका मंथन किया सभी सहयोगियों के और समाज के जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे, तो अब वो नए तरीके से प्रशासनिक अमलों को सूचना देते हुए इस कार्य को पुनः प्रारंभ करेंगे। खबर रीवा जिला से ही, जहां एक बेर फेर प्रशासन के निर्दयी चेहरा सोहे आवा है। बताए दें कि तालाब के मेड़ में अतिक्रमण कीन गा रहा है, जेखा प्रशासन के द्वारा हटाए दीन गा। प्रशासन के द्वारा शासकीय जमीन खाली कराई गई ही या जायज है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कई साल से अतिक्रमण कर रहे लोग केखे छत्र छाया में पलत रहे, आखिर उनका प्रधानमंत्री आवास केखे द्वारा स्वीकृत कीन गा रहा, का यह गरीबन की गलती रही कि उनका आवास मिला और वो पक्का घर बनाए के अपने परिवार के भरण पोषण करत रहे, अतिक्रमण हटावा जात रहा ता एक महीना और टाल दिन जात तो प्रशासन के का उजड़ जात। आई दिखाई थन मौका के हाल और सुनाई थन उजाड़े गए लोगन के का कहना है।
हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन साकेत है। हाँ, ये कैसे क्या हुआ कल यहाँ पर? कल अधिकारी लोग आए थे, SDM, हाँ, और कलेक्टर साहब, अपर कलेक्टर थे भी, तहसीलदार भी आए थे, तहसीलदार भी थे, सरपंच भी थे, अच्छा, और आपके पटवारी भी थे, सेक्रेटरी भी थे। तो कल घर आपका गिरा दिए? जी बिल्कुल बिल्कुल गिरा दिए, आके सीधा सीधा गिरा दिए। नुकसान हुआ आपका क्या? नुकसान हुआ, कुछ कुछ अंदर सामान पड़ा था। दो गाड़ी पुलिस भी ले आए थे। अच्छा, दो गाड़ी पुलिस। आपका ये मकान कब से बना है आवास का? ये आवास का बना था 2018 में बना। अच्छा, और अभी बना है। तो ये कितने लोगों का आवास यहाँ बना था? यहाँ बना था 4 लोग थे। अच्छा, हम लोग यहाँ पुस्तैनी निवासी थे। अच्छा, हम लोग के पास जमीन नहीं थी। अच्छा, इसलिए सरपंच साहब ने यहाँ बना दिया। अच्छा, आज सरकार आई तो हम लोग का बेघर कर दिया। अच्छा, अब कल से हम लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ, सरकार जब से आके गिरा के चली गई है तब से कोई ध्यान नहीं। आप लोगों को कुछ नुकसान भी हुआ है जैसे? हाँ, टीवी वगैरह कुछ भी? हाँ, थोड़ा टीवी वो भी नुकसान हो गया है। जल्दबाजी में अच्छा, तो ये मकान आपके इधर है ना? हाँ, ये देखिए कितना बुरा हाल हुआ है। अच्छा, देखिए कितना बुरा नुकसान। देखिए खेलती खाती जिंदगी को ऐसे बर्बाद किए हैं। कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं सुन रहा था, गुहार मार मार रो रहे थे। खेती खाती जिंदगी, सब सामान भी दाब दे वही घर। अच्छा, आप लोग आज रात को कहाँ थे? यहीं बाहर पड़े थे। बताइए आप लोग कहाँ थे आज रात को? आज बारिश भी हुई है क्या? आप लोग कुछ समस्या हुई है क्या आप लोगों को? खाना पीना आपको मिला क्या? नहीं मिला। ऐसे ही बारिश में भीगते रहे आप लोग? बकरी छेरिया गाय भैंस सब ऐसे गए। आपका काफी नुकसान हुआ? अरे कुछ नुकसान रहने के लिए आप लेकिन इसके अलावा कहीं जमीन है क्या आपके पास? कहीं नहीं है। अब आपकी मांग क्या है सरकार से? हमको मांग यह है कहीं सरकारी जमीन हो, रोड की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, रोड हो, लाइट हो, सब। जैसा कि ये आपका आवास नुकसान हुआ तो ये चाहते हैं कि आपको आवास सरकार दे, बिजली, हैंडपम्प, ये सुविधा आप चाहते हैं? चलिए ठीक है, तो हम इसके लिए सरकार से आपका न्यूज पहुंचाएंगे। हाँ, कि आवास का घर भी बना था, तब भी नहीं माने कि हमारा घर आवास का भी गिरा दिया। चलिए, आपका देखते हैं कि आप लोग कहाँ रात में थे। देखिए वाह, आज खातिर इतने। बघेरी मबिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।